गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स अ क्लास फोर्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 8, द सॉइल. स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी हैव डन द हाफ ऑफ द चैप्टर. टुडे वी विल स्टार्ट विद द रेड सॉइल, द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल. द कलर ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉइल इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइम एंड आयरन. स्टूडेंट्स, इस मिट्टी में लाइम और आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका जो कलर है वो रेड होता है. दिस काइंड ऑफ सॉइल इज नॉट सो फर्टाइल बट इट बिकम्स प्रोडक्टिव विद द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स. ये सॉइल, लाल मिट्टी, ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, उपजाऊ नहीं है, बट इसमें अगर हम कुछ फर्टिलाइजर्स, कुछ खाद मिला देते हैं तो ये भी प्रोडक्टिव बन जाती है. रेड सॉइल इज सुटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक राइस, मिलेट, मेज एंड ग्राउंड नट. स्टूडेंट्स, जो लाल मिट्टी है वो चावल के लिए, बाजरा के लिए, मक्की के लिए और ग्राउंड नट के लिए, मूंगफली के लिए बहुत उपजाऊ है. रेड सॉइल इज फाउंड अबंडेंटली इन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. स्टूडेंट्स, ये जो लाल मिट्टी की कहाँ कहाँ मिलती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, महाराष्ट्र एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पूर्वी भागों में ये लाल मिट्टी हमें मिलती है. नाउ कम टू फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल ऑल्सो अपीयर्स रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स. अगेन स्टूडेंट्स, जो लेटराइट सॉइल है वो भी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड्स मिले हुए होते हैं, दैट इसके कारण ये रेड होती है. द लेटराइट सॉइल इज नॉट फर्टाइल एज इट लैक्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटैश. क्योंकि ये जो मिट्टी है ये इतनी उपजाऊ नहीं होती क्योंकि इसमें ना तो नाइट्रोजन होता है, कमी होती है, फॉस्फोरस, पोटैश, इन मिनरल्स की इसमें कमी होती है, इस कारण ये उपजाऊ नहीं होती. द काइंड ऑफ सॉइल्स नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ये जो मिट्टी है लेटराइट सॉइल, ये क्रॉप्स की ग्रोइंग के लिए, पैदावार के लिए उपजाऊ नहीं है. हाउएवर, विद सफिशिएंट इरिगेशन दिस काइंड ऑफ सॉइल बिकम सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोकोनट. बट स्टूडेंट्स, चाय, कॉफ़ी, रबर और कोकोनट प्लस इसमें प्रॉपर इरिगेशन के साथ इस मिट्टी में ये चीज़ें हम पैदा कर सकते हैं. The laterite soil is found in, अब ये soil मिलती कहाँ है student? This type of soil is found in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, West Bengal, Odisha, Assam and on the Western Ghats. Student, इसके बाद में मैं आपको एक map में सब बताऊंगी कि कौन से states में कौन सी कुछ type की मिट्टी मिलती है. I will tell you later. Now come to the number 5, that is mountain soil. पहाड़ी, जैसे हम कहते हैं माउंटेन सॉइल, कहाँ मिलती है? द माउंटेन सॉइल इज इमैच्योर एंड ऑफ लो फर्टिलिटी. वो प्रॉपर तैयार नहीं होती है और उसकी उपजाऊ शक्ति भी कम होती है. इट इज़ सुटेबल फॉर फॉरेस्ट ट्रीज, ऑर्चर्ड क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स. ठीक है स्टूडेंट्स, वो फॉरेस्ट ट्रीज के लिए, जहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ऑर्चर्ड, जो फलों के बागान है वहाँ पे, और प्लांटेशन क्रॉप्स होती है वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द हिली एरियाज. अब ये सॉइल मिलती कहाँ पे है? जहाँ पे हिली एरियाज है, लाइक असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पहाड़ों पे मिलती है स्टूडेंट्स, एंड सम अदर रेंजेस इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया के इन पार्ट्स में ये मिलती है. नाउ कम टू द नंबर 6, दैट इज डेजर्ट सॉइल, रेतीली मिट्टी. डेजर्ट सॉइल इज इनफर्टाइल ड्यू टू द लैक ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस इन इट. स्टूडेंट्स, जो डेजर्ट सॉइल है ये बहुत ही इनफर्टाइल है, उपजाऊ नहीं है क्योंकि इसमें कमी होती है, ना तो इसमें नाइट्रोजन है और ना ही इसमें फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स हैं. स्टूडेंट, ह्यूमस भी इसमें नहीं मिलता. बाय प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल, बट फिर भी अगर इस मिट्टी में प्रॉपर पानी लगाया जाता है, कैन बी यूज टू ग्रो. फिर इस मिट्टी में हम कौन सी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं? वीट, डेट्स, फ्रूट्स एंड कॉटन. ठीक है स्टूडेंट्स, कनक, खजूर, फ्रूट्स एंड कॉटन को उगाया जा सकता है अगर इसमें हम प्रॉपर इरिगेशन करते हैं, प्रॉपर पानी लगाते हैं तब. दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन राजस्थान. ये मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है? राजस्थान में, पार्ट्स ऑफ पंजाब में और हरियाणा में, कई कई पार्ट्स में ये डेजर्ट सॉइल मिलती है. नाउ कम टू सॉइल इरोजन, मिट्टी का
वेस्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ द फर्टाइल ले ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। हमने स्टूडेंट्स क्या कहा है, धरती की जो सबसे ऊपर वाली परत है जिसमें ये क्रॉप्स पैदा होती है उसको सॉइल कहा जाता है। पर किसी वजह से जब सॉइल का जो ऊपर वाली परत है उसका वेस्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, इसको सॉइल इरोजन कहा गया है। The upper fertile layer of the soil is carried away by the natural agents like air, water, etc. Student, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है उसकी जो टॉप सॉइल है वो उड़ जाती है। वाटर या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब वाटर आता है तो वो सॉइल वेस्ट हो जाती है। इट मेक्स द लैंड इनफर्टाइल, उसके वजह से वो जो लैंड है जहाँ से वो मिट्टी की परत उड़ गई है, ख़त्म हो गई है, वो इनफर्टाइल, अब उपजाऊ नहीं रही है। टर्न्स द फर्टाइल सॉइल इनटू डेजर्ट, अब वो एक तरह की डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई है जहाँ पे कुछ भी पैदावार नहीं की जा सकती। एंड लीड्स टू द लॉस ऑफ क्रॉप्स, उसकी वजह से वहाँ पे क्रॉप्स नहीं उग पाती, नहीं हो पाती। सॉइल इरोजन इज अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। स्टूडेंट्स, मिट्टी का वेस्ट हो जाना कई वजह से होता है। लेट्स सी, नंबर वन, बाय कटिंग डाउन ट्रीज एंड फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो, हम सभी जानते हैं जो ट्रीज है, फॉरेस्ट है, वो जो सॉइल है उसको बाउंड करके, बाइंड करके, उसको बांध करके, प्रॉपर उसको केयर करते हैं, उसके और संभाल के रखते हैं। बट अगर हम जैसे जैसे हम ट्रीज़ आजकल हम काटते जा रहे हैं या फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, उस वजह से अब जो सॉइल है वो बहुत ही इरोडेड होती जा रही है, वेस्ट होती जा रही है। नंबर टू इज़ बाय ओवर ग्रेजिंग द फील्ड्स। जब हम कैटल्स को, जानवरों को छोड़ देते हैं ग्रेजिंग करने के लिए, वो कई बार इतनी ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं कि जो अपर लेयर है सॉइल की वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। एंड नंबर थ्री इज़ बाय फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कई बार हम ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए या बहुत जल्दी जल्दी करने के लिए कई बार हम वो यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स इस तरह के मीन्स यूज़ करते हैं जिससे कि जो वो ऊपर वाली परत है, सो सॉइल है, वो वेस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को संभाल के रखना। स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग द सॉइल फ्रॉम getting carried away is called soil conservation. Students, soil को waste ना होने देना, उसकी जो ऊपरी परत है जिसमें crops production होती है उसको संभाल के रखना, that is soil conservation. Now the following are the steps to conserve soil. आप soil को कैसे बचा सकते हो? Now let's see the steps. Number one, we should plant trees and grass on flat open land. वो land जो बिल्कुल खुली है, open है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा plantation कीजिए, grass कीजिए, ताकि वो मिट्टी है वो waste ना हो, खराब ना हो। The roots of which bind the soil particles firmly together. अब जो पौधों की जो roots हैं उनकी जड़ें हैं वो soil को बांध के रखती हैं together and can make the soil conserve, और soil को conserve करके बचा के रखती है। स्टूडेंट्स, नंबर टू, बाय कंट्रोलिंग ग्रेजिंग वी कैन मेक द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। जो कैटल्स हैं वो ओवर ग्रेजिंग ना करें जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो वेस्ट ना हो, इससे भी हम संभाल के रख सकते हैं। नंबर थ्री, इट कैन बी कंजर्व्ड बाय मेकिंग टेरेसेस। स्टूडेंट्स, हिली एरियाज़ में टेरेस फार्मिंग की जाती है, स्टेप्स बना दी जाती है सीढ़ियों की तरह, ताकि जो वाटर है वो जो उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, ठीक है, उसके कारण हम टेरेस फार्मिंग करते हैं ताकि सॉइल को कंजर्व किया जाए, बचा के रखा जाए। नाउ नंबर फोर इज़, इट कैन बी कंजर्व्ड बाय मेकिंग डैम्स एंड रिजर्वियर्स अक्रॉस रिवर्स। जो रिवर्स में कई बार पानी ओवरफ्लो हो जाता है स्टूडेंट्स, उसके लिए वहाँ पे डैम्स और रिजर्वियर्स, जहाँ पे पानी, अगर ज़्यादा पानी हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर उसका फ्लो बढ़ जाता है तो उसको डैम्स में, रिजर्वियर्स में कलेक्ट किया जाता है ताकि वो पानी हमारी सॉइल को डिस्ट्रॉय ना करे। सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स आर फॉर सॉइल कंजर्वेशन, कैसे हम सॉइल को संभाल के रख सकते हैं। स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो प्लीज़ गो थ्रू द फुल चैप्टर, आफ्टर देन वी विल डू द बैक एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर। टिल देन, गुड।